सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। और सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो कि आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप आईफोन वाला जो कि नोटिफिकेशन बार जो होता है वो आप कैसे अपने फ़ोन में एक्टिवेट कर सकते हो एंड्रॉयड फ़ोन में। तो सिंपली आपको इस एप्लीकेशन की जरूरत लगेगी, इसका नाम है कंट्रोल सेंटर। और इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर सीधा प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। सो जैसे इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो सिंपली कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसे ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने में आपसे कुछ परमिशन मांग सकता है। पहली बार जब आप ऑन करोगे से तो आपसे परमिशन देना, उसके बाद यहां पर आपको आ जाना है साइज के ऊपर। साइज के ऊपर आने के बाद यहां पर एक ऐड आएगी, ऐड को हटाना है। और यहां पर आपको लेफ्ट राइट बटन जो है इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। तो यहां पर अगर आप लेफ्ट कर दोगे तो लेफ्ट तरफ से आपको जो कि अपना इस तरीके से जो कि पैनल निकाल सकते हो, नोटिफिकेशन बार का जो पैनल होता है। अगर आप बटन पे आओगे तो यहां पर जो आपका होम बटन होता है तो यहीं पर आपसे निकल जाएगा। और अभी हम करेंगे राइट, ठीक है। राइट जो कि ज्यादा बेस्ट रहेगा, राइट इस तरफ रहेगा। उसका साइज वगैरह आप जो आप देख सकते हो, यहाँ पे जो शॉर्टकट वाला जो बटन है इसका साइज आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो कि किस तरीके से आपको रखना है। सो इस तरीके से रखना है। और कलर वगैरह अगर आप चेंज करना है तो कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैं ये कलर रखने वाला हूं, यहां से मैं आता हूं बैक आने बाद यहाँ पर आप देख सकते हो और भी आपको बहुत सारा सिस्टम मिल जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे कस्टमाइज कंट्रोल के ऊपर आएंगे तो अभी ऐड आ गया, साइड को हम करेंगे कट। और उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि क्या क्या आप इसके अंदर लगा सकते हो। इसके अंदर अगर आप कोई एप्लीकेशन अपना फेवरेट एप्लीकेशन लगाना चाहते हो तो आप फेवरेट एप्लीकेशन इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जैसे ये खुल जाएगा तो उसके बाद जो कि इसके अंदर आप जो कि एप्लीकेशन भी ऐड कर सकते हो। डायरेक्ट यहीं से एप्लीकेशन भी ओपन कर सकते हो। सो ये कुछ इस तरीके से देख सकते हो नोटिफिकेशन बार का जो पैनल है कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। इसी में आपको ब्लूटूथ वाईफाई सब कुछ यहीं पे देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर जो कि बिल्कुल आईफोन की तरह ही वर्क करता है। और आईफोन के कुछ अलग अलग पार्ट्स के ऊपर मैंने और भी वीडियोस बना रखे हैं, तो उन्हें भी देख सकते हो। जैसे कि आप वॉल्यूम बटन कर सकते हो और अपना वॉलपेपर चेंज कर सकते हो और लॉन्चर मैंने बता रखे हैं। तो अगर आप ये सब वीडियोज़ मेरी देख के अगर आप एक साथ अपने फ़ोन में एक्टिवेट करोगे तो पूरा आपका फोन आईफोन बन जाएगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना।